हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर माइंड्स। तो एसएससी ने एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म लिंक एक्टिवेट कर दिया है। सभी बच्चे एसएससी की वेबसाइट पर जाके अपना लॉगिन करने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एसएससी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को बिना किसी गलती के कैसे भरें। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एसएससी की वेबसाइट पर जाके आप लोग सबसे पहले तो लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन खुलेगी, ठीक है। वेलकम आपका नेम आएगा यहाँ पे और ये स्क्रीन खुलेगी। उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो आपका ये आएगा, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो हो रहा होगा। आप लोग एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का ये एग्ज़ाम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ईयर आप 2022 सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन सामने खुलेगी, जिसमें कैंडिडेट्स की डिटेल आएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। बल्कि आपका ही अकाउंट है तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे सारी पोस्ट कोड्स दिखेगी, सारी, ठीक है। सी से लेकर डी तक जितनी भी टोटल पोस्ट है वो सारी आप लोगों को यहाँ पे देखने के मिलेगी। यहाँ से आप लोग स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे, जब यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस आ रही है, जो खत्म हो जाएगी पोस्ट, तब आपको मिलेगा पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। अब इस पोस्ट प्रेफरेंस, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पोस्ट प्रेफरेंस को भरना कैसे है, ठीक है। तो अब क्या है ना, पोस्ट प्रेफरेंस जब आप लोग भरेंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को यहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से, इस वाली साइड से, ठीक है। तो अब यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस जैसे मैंने डाल दिया, C1 डाल दिया। C1 डालने के बाद, ठीक है, आप लोग जैसी या तो टैब दबा दें तो ऑटोमेटिकली इस अगले नेक्स्ट टैब पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग एंटर भी कर सकते हैं, एंटर नहीं तो माउस से ही क्लिक कर दें इस पे, इस कॉलम पे। उसके बाद इसको फिल करने के बाद ये खुद मैन्युअली आपको टाइप करना पड़ेगा कि C3 टाइप करना पड़ेगा। फिर अगले कॉलम में, मतलब जैसे भी आपको D2 D3 C5, ठीक है, जैसे भी आपको भरना है, तो इस ऐसे ऐसे करके चलना है। आप लोग ऐसे मत कर देना कि ये ऐसे करके, बट ये सीक्वेंस ऐसे चलेगा। ये सारा भरने के बाद, ठीक है, यहाँ तक होने के बाद ये वाला सीक्वेंस आ जाएगा। अब ये सारा सीक्वेंस होने के बाद लास्ट में ये और ये दो कॉलम्स, ये लास्ट की चीज़ आ जाएंगी। अगर कुछ मिस्टेक वगैरह होती है तो आप लोग रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। बट वो रीसेट में क्या होगा ना, आपका सारे जितने भी चीज़ें हैं ये सारी रीसेट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आप लोग फिर से दोबारा से मैनुअली सब कुछ भरना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। और ये क्या है, पोस्ट, आप लोग पोस्ट कोड का ध्यान रखें, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, लास्ट टाइम अभी CGL के उसमें यहाँ पे जो पोस्ट कोड थी और जो वैकेंसी फाइनल वैकेंसी रिलीज हुई थी उसमें जो पोस्ट कोड थी थोड़ा मिसमैच था। तो जो यहाँ पे पोस्ट कोड है ना, ये जो सब लिखी है, ठीक है, कि भाई C6 है, C6 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। तो क्या हुआ था CGL में, ठीक है, कि थोड़ा चेंज हो गया था। C5 यहाँ पे तो C6 दे रखा है तो वहाँ पे C5 था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इससे मैच कर लें अपने अपने सारे सीक्वेंस, ठीक है, जो भी मिनिस्ट्री आप लोग भर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ फिल आउट करने के बाद सारे कॉलम्स, हाँ, अगर मान लो आपके यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे, ठीक है, किसी कैटेगरी की वैकेंसी सारी यहाँ पे ख़त्म हो गई, उसके बाद जीरो वैकेंसीज है सब सारी, ठीक है, उसके बाद जितनी भी कैटेगरी में वैकेंसीज थी वो जीरो है, तो आप लोग जीरो वैकेंसी को भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, और स्किप करना चाहे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप लोग वो जीरो वैकेंसी वाली वो भरना चाहे तो भर सकते हैं और नहीं भरना चाहे तो नहीं भी भर सकते हैं। बट याद रखें, अगर भर रहे हैं तो बिल्कुल एंड में ही भरें, पहले सारी वैकेंसी वाली फिल कर दें उसके बाद एंड में भरें। उसके बाद सारी प्रेफरेंस फॉर्म्स फिल करने के बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन मिलेगा। डिक्लेरेशन पे यहाँ आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन कर दें। सबमिट बटन कर देंगे आप जैसे, तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप टेक प्रिंट, इस चीज़ का प्रिंट ले लें, ठीक है, डू प्रिंट। अब ये प्रिंट क्या होगा, बेसिकली ये सेव कर देगा, सेव या डाउनलोड, तो ये आपके पास एक तरीके से सेव रहेगा, ठीक है, कि ये जो प्रेफरेंस फॉर्म था ये आपने फिल किया है। तो इसको आप लोग फिर सेव भी कर लें, डाउनलोड कर लें, टेक प्रिंट ले लेंगे तो वो अपने आप ही आपके पास सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और प्रेफरेंस फॉर्म ध्यान से भरें। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।